लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव में भी अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगनी चाहिए। नीतीश सरकार के द्वारा जानबूझकर इसे हाईकोर्ट में नहीं रखा गया। ये बातें नगर निकाय अभ्यर्थी एसोसिएशन के संयोजक संजय केसरी ने शहीद स्मारक के समक्ष एक दिवसीय अनशन सत्याग्रह करते हुए कही। केसरी ने कहा कि विवादित सीटों को छोड़कर शेष सभी अविवादित सीटों जिन पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है उस पर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। वार्ड पार्षद प्रत्याशी मणिशंकर उर्फ भोलू ने कहा कि चुनाव स्थगन प्रकरण के दोषियों पर अविलंब मुकदमा दर्ज करते हुए अभ्यर्थियों के खर्चों की क्षतिपूर्ति उन लोगों से ली जानी चाहिए। वार्ड प्रत्याशी ममता सिन्हा के प्रतिनिधि आशीष कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित होने का चक्रव्यूह रचा, जिससे पिछड़ा और अति पिछड़ा सहित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों सहित आम जनता में काफी आक्रोश है। वार्ड प्रत्याशी मारिया सोहेल प्रतिनिधि साजिद अहमद ने कहा कि जब नगर निकायों में साजिशन अफसर शासन लाद दिया गया हो तो बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वार्ड प्रत्याशी राहुल गुप्ता ने कहा कि हम लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिला तो नगर निकाय अभ्यर्थी एसोसिएशन भीषण आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए नगर निकाय अभ्यर्थी एसोसिएशन के द्वारा आज शहीद स्मारक के समक्ष एक दिवसीय अनशन सत्याग्रह किया गया, इसलिए कि बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रावण साबित हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री सुरमा भोपाली नीतीश कुमार, जिन्होंने एक साजिश के तहत नगर निकाय चुनावी प्रक्रिया को रोकने का काम किया है। नीतीश जी को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि चुनावी अधिसूचना जारी करने के बाद हाईकोर्ट इसे रोक लगा देगी। नीतीश सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकी कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह नगर निकाय चुनाव का भी अधिसूचना जारी हो गया है। 4-5 दिन के बाद प्रथम चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होने वाला है। यह बिहार सरकार, नीतीश सरकार हाईकोर्ट के समक्ष इस बात को नहीं रखी